एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज है धनतेरस। पीछे आप देख रहे होंगे कितनी सारी लाइट्स वगैरह जली हुई है, एकदम जगमग जगमग हो रखा है, क्योंकि आज से फेस्टिवल शुरू हो गए। अब ये 5 दिन तो पूरे फेस्टिवल्स वाले हैं। आप धनतेरस कैसे मनाते हैं ये मुझे बताइएगा। आप सभी को धनतेरस की बहुत सारी शुभकामनाएँ। और हमारे यहाँ पता क्या होता है, हम लोग तो जैसे मतलब मैंने मम्मी को देखा ऐसे करते हुए, फिर मैं भी ऐसे ही करती हूँ। और मम्मी जैसे क्या करती हैं कि 5 दिए जलाती हैं धनतेरस पर, 5 ही छोटी दिवाली पे, उसके बाद फिर आप दिवाली पे जो मेन वाली होती है उस पर तो जितने चाहे जला लो, और फिर उसके बाद भाई दूज वगैरह पे भी 5-5 करके ही जलाते हैं। तो फिर आज मैं 5 दिए जलाऊंगी, अभी नहीं जलाई, आज मैं बहुत बिजी थी। मैंने ना सुबह गुलाब जामुन बनाए थे, मतलब मैं आज से क्या, मैं कल से बिजी थी, क्योंकि कल मैंने खोया बनाया, फिर खोया बनाने के बाद आज फिर मैंने गुलाब जामुन बनाए। और सच में मैं बहुत डरते डरते बना रही थी, मुझे इतना डर लग रहा था कि पता नहीं गुलाब जामुन ठीक से बनेंगे या नहीं बनेंगे, पर बहुत अच्छे बने, बहुत परफेक्ट बने। किस कारण बने, क्योंकि मैंने बिल्कुल जो मेजरमेंट था ना उसी हिसाब से बनाया। मम्मी को फ़ोन करके पूछा था मैंने कि मम्मी आप बताओ कि गुलाब जामुन कैसे बनाते हैं, तो मम्मी बनाती हैं। और मेरे नाना जी थे ना, वो अब तो नहीं है खैर इस दुनिया में, लेकिन वो बहुत अच्छे गुलाब जामुन बनाते थे। बहुत ही पेशेंस का काम है। कोई भी ना अगर इंडियन मिठाई हम बनाते हैं, इंडियन मतलब फूड भी ऐसा है कि आप अगर उसको बना रहे हैं ना तो उसमें ना हर चीज़ कढ़ानी पड़ती है। कोई भी स्पेशल चीज़ देख लो, आप कढ़ी बना रहे हो है ना, कोई भी अलग हलवा बना रहे हो, ये सारी चीज़ें झटपट नहीं बनती, इन सब में बहुत कढ़ाने वाली ज़रूरत पड़ती है। गाजर का हलवा हो गया, ये सब हो गया, ऐसे ये मिठाइयाँ वगैरह हो गई। देखो मैं बोल रही हूँ ना, गुलाब जामुन याद आ रहे हैं तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है, और वो बहुत परफेक्ट बने हैं। मैंने शूट भी किया है, वो आपको दिखाऊंगी कि कैसे कैसे बनाए। जैसे जैसे मैं मेजरमेंट बताऊंगी ना आपको, वैसे ही मेजर कर करके आप अगर बनाएंगे ना, जिन जिन बातों का मैंने ध्यान रखा, तो बहुत परफेक्ट बनेंगे। तो मैंने अपने नाना जी की रेसिपी जो है ना, जैसे नाना जी बनाते थे वैसे ही फॉलो करके बनाया, और बहुत अच्छे बन गए। और सबसे अच्छी बात ये कि मैंने बहुत कुछ उसमें मिक्स नहीं किया, ये डाल दो वो डाल दो, जो ट्रेडिशनल वे होता है ना बिल्कुल उसी तरीके से बनाया। आप भी ज़रूर बनाइएगा। और आज फिर मैं गई थी मार्केट, और धनतेरस पर थोड़ी बहुत शॉपिंग जो दिवाली की है वो भी की है। चलिए वो सबसे पहले दिखाती हूँ। सबसे पहले ना आपको धनतेरस की शॉपिंग दिखाती हूँ। देखो मैंने लिए है ये स्टील की एक छन्नी है, क्योंकि ना मुझे और कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ तो है मेरे पास। हर बार क्या करती हूँ, जाती हूँ और दिया खरीद लेती हूँ। दियों का कलेक्शन मेरे पास कम से कम 5-6 सालों से, मैं एक एक दिया हर बार खरीद लेती हूँ। तो हर बार ऐसे करके ना 5 से 6 मेरे पास दिए इकट्ठे हो गए। फिर मुझे लगा अब मुझे कुछ नहीं लेना है ऐसा, तो मुझे ना ये छन्नी वहाँ पर बहुत ही क्यूट लगी थी। ये देखो ऐसे करके है ये, और ये ना ऐसे करके ओपन हो जाती है। तो इसमें क्या करना है, चाय पत्ती जैसे होती है इसके अंदर डालिए, इसको ऐसे करके लॉक कर दीजिए, और ये लॉक हो जाता है ऐसे। और फिर ये जैसे ये है इसका, और आप अपने भिगोने वगैरह में जहाँ चाय बना रहे हैं ना उसमें ऐसे अटका दीजिए, तो इसी में ही वो उबलती रहेगी चाय और होता रहेगा, चाय भी बन जाएगी, छन्नी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको छानना नहीं पड़ेगा, सब इसी में ही हो जाएगा। या फिर आप जैसे ग्रीन टी वगैरह भी बनाते हैं, कई बार हम लूज़ ले लेते हैं, सैशे नहीं लेते हैं, तो इसके अंदर ग्रीन टी थोड़ी सी डालिए, और बस अपने उसमें बर्तन में ऐसे करके थोड़ी देर डालिए, उसी में सब छन जाएगा आप आराम से, और आप निकाल कर फिर पी सकते हैं। है ना क्यूट, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत ही अच्छी लगी ये देख कर ही। मैंने कहा इससे यूनिक चीज़ कुछ नहीं मिल सकती, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। आप बताइएगा आपको ये कैसी लगी, आपके पास भी किसी ना किसी के पास तो ज़रूर होगी ये। तो पहली शॉपिंग तो मेरी ये है। इसके बाद मैंने ना एक ये वाली बास्केट ली है, ये कुछ मतलब ऑर्गेनाइज़र की तरह समझ लो, मैं अपने ड्रेसिंग टेबल में इसको रखूँगी। थोड़ा बहुत मैंने इसमें सामान भी रखा हुआ है, तो ये भी मैंने वहीं से ही लिए हैं, वहीं पर ही एक शॉप थी, तो थोड़ा कॉस्मेटिक भी मैंने मतलब जो था वो ले लिया। ये हेयर बैंड है, तो ये भी बड़े अच्छे लगते हैं, इसको ऐसे करके लगाओ और यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके आता है। कभी ब्लॉग में लगाऊंगी तो आप देख लीजिएगा। एक तविशी के लिए, एक मेरे लिए है, तो हम दोनों इसको लगा लिया करेंगे। ये लिया मैंने, एक मैंने ले लिया ये जूड़ा, मैं कभी नहीं लगाती हूँ लेकिन मेरा मन कर गया इसको देख कर कि चलो ले लेती हूँ, क्योंकि अब ना ऐसा होने लगा है मेरे साथ, मैं मार्केट जाती हूँ तो ना मुझे ऐसा लगता है पता नहीं फिर दोबारा मार्केट आना हो या ना हो, ना आना हो, क्योंकि विवेक इतनी जल्दी मार्केट लेकर नहीं जाते आजकल के हालात के हिसाब से। तो फिर मैं जो भी मुझे चीज़ दिखती है ना कि मुझे लगता है हाँ मैं इसको यूज़ कर सकती हूँ तो मैं ले लेती हूँ, फिर मैं छोड़ती नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं अभी ले ले, बाद में देख लेंगे यूज़ कर लेंगे। तो मैं इसको अपने कभी जूड़े में लगाऊंगी, तो आसान है ना, इससे फटाफट बन जाता है जूड़ा। एक ये लिया मैंने, और हाँ
एक ये रेड कलर की ना मैंने ये वाली बैंगल्स ली है, मुझे ये बैंगल्स बहुत अच्छी लगती है। आपके पास अगर मैचिंग की बैंगल्स ना हो, आपने कोई साड़ी पहनी या सूट पहना है ना, तो इस तरीके की बैंगल्स अपने हाथों में डाल लो, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है मुझे, एकदम प्लेन। वैसे भी मुझे चाहे कोई भी कलर हो, चाहे रेड हो पिंक हो, उनमें ना मुझे ये सबसे ज़्यादा प्लेन ही पसंद आती हैं। अगर ग्रीन कलर या कुछ भी हो ना, इनको ग्रीन और रेड को मिक्स करके इस पहनो, बहुत सुंदर लगता है। इसी ये मैंने लिया और एक ये बास्केट लिए, ये मेरे, ये मैंने ना दो ली थी पहले, लेकिन उसने बोला पहले 50, लेकिन बाद में बोलने लगा नहीं 80, क्योंकि इस पर 89 लिखा है कुछ ऐसे करके, उसे कन्फ्यूज़न सी हो गई थी। फिर मैंने कहा मुझे अब दो नहीं छः, मैं एक ही लेकर जाऊँगी। ये लिया मैंने, और एक और चीज़ बहुत बड़ी सी चीज़ ली है, एक मैंने ली है ये कपड़े रखने के लिए इतनी बड़ी सी बकेट। क्योंकि मैं क्या करती थी पहले ना, मेरे पास एक बकेट थी जो नहाने वाली बकेट होती है ना, वैसी वाली, तो उसमें मैं रखा करती थी सारे कपड़े। लेकिन ना उसमें क्या हो जाता है, मतलब बाहर ही वॉशिंग मशीन के पास, उससे क्या होता है उसमें स्मेल होने लग जाती है, क्योंकि बंद बंद रह रह के क्या होते हैं कपड़े स्मेल करने लग जाते हैं अगर एक या दो दिन ना धो तो। तो मैंने ये वाली बास्केट ले ली है, ये खुला खुला है ना, इसमें एकदम जितने भी इसके छेद हैं सारी एयर अच्छे से पास होगी, तो इसमें सारे कपड़े जितने भी हैं कभी एक या दो दिन के हो भी जाते हैं तो इसमें रख लिया करूँगी। बहुत दिनों से सर्च कर रही थी, मुझे ये भी मिल गई। और इसके बाद आते हैं किसके, एक हाँ एक मैंने लिया है ये वाला लोटस, मैं हर बार ही ले लेती हूँ। एक बार मैं येलो ले चुकी हूँ, एक बार मैंने छोटा सा रेड लिया हुआ है, और एक ये भी ले लिया है। और इसके बाद मैंने बड़े क्यूट से लक्ष्मी गणेश लिए हैं। गई तो मैं स्पेशली लक्ष्मी गणेश जी लेने के लिए ही थी, क्योंकि मैं हर साल जाती हूँ, और जो पुराने वाले गणेश जी और लक्ष्मी जी होते हैं उनका विसर्जन कर देना चाहिए ऐसा कहते हैं, और मैं हर बार करती हूँ, इसीलिए फिर मैं ये लेकर आई। ये देखिए है ना क्यूट, बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़्यादा क्यूट, क्योंकि मंदिर छोटा है ना, उन्हीं के साइज़ के हिसाब से लेके आई, मंदिर के हिसाब से ही, और मुझे ये देखकर ही बहुत ही पसंद आए। ऊपर से चेहरे भी बड़े क्यूट क्यूट से हैं। मैंने एक किसी को कहते हुए सुना था कि ना ऐसे जैसे लक्ष्मी जी या गणेश जी होते हैं तो लक्ष्मी जी का चेहरा ज़रूर देखना चाहिए, अगर लक्ष्मी जी का चेहरा बड़ा सुंदर सा है ना तो फिर कहते हैं कि मतलब बहुत अच्छा होता है, तो चेहरा हमेशा देखना चाहिए लक्ष्मी जी का। तो वही ये मूर्ति होती है, उनका चेहरा देखो, कहीं ऐसा ना हो कि मतलब थोड़ा सा होता है ना कलर वलर इधर उधर फैला हुआ है और अजीब सा हो रहा है, तो देखना चाहिए कितना फिनिशिंग के साथ काम हुआ हुआ है। तो मुझे ये दोनों बहुत ही क्यूट लगे, है ना क्यूट। ये तो मैं आपको हर बार जब भी मैं लक्ष्मी गणेश लाती हूँ ना, ये हमेशा आपको दिखाती हूँ। अब तक जितनी भी मैंने शॉपिंग दिखाई है ना, लक्ष्मी जी गणेश जी हमेशा दिखाए हैं। ये है, और इसके बाद मैंने दिए लिए हैं जो सिंपल से होते हैं वही वाले मिट्टी के ना दिए, क्योंकि ज़्यादा मैंने डिज़ाइन वगैरह वाले नहीं लिए, और एक दो लिए हैं। एक तो बड़ा दिया लेना होता है जो पूरी रात जलता है, वो लिया है, वो भी डिज़ाइन में थे। फिर मैंने कहा नहीं, मैं डिज़ाइन वाले का क्या करूँगी, मैं सिंपल ही ले लेती हूँ, तो सिंपल सा ही लिया है मैंने। ये एक बड़ा दिया अच्छे खासे साइज़ का ले लिया, इसके अंदर बस तेल या फिर घी जो भी डालना है वो डाल लीजिए, वो पूरी रात जलना चाहिए ये, तो इतना सफिशियंट होगा, इसमें जितना भी हम लोग तेल या घी फिल कर लेंगे ना तो पूरी रात जलेगा ये। ये लिया मैंने, और ये एक लिए हैं मैंने ये दिए, एक ये वाला और एक ये चार वाला दिया। और मैंने एक और चीज़ भी ली थी, एक मिनट देखती हूँ, हाँ ये रहे ना, और तविशी ने लिए दिल खोल के रंगोली के कलर्स। तविशी को बहुत शौक़ लगा हुआ है कि मुझे ना रंगोली बनानी है, लास्ट ईयर भी इसी ने बनाई थी, अब तो मैं बनाती ही नहीं हूँ रंगोली, मतलब लास्ट ईयर तविशी बना लिया था तविशी ने, और इस बार भी तविशी ही बना लेगी, मतलब अब ये रंगोली बनाने वाली जिम्मेदारी जो है ना वो मेरी ख़त्म हो गई। ये काम ना वैसे भी बेटियाँ ही करती हैं घर की, मैं अपने घर में थी ना मतलब शादी से पहले, तो मैं और मेरी बड़ी वाली बहन हम दोनों मिल के रंगोली बनाते थे। उसके बाद हमारी शादियाँ हो गई, हम अपने अपने घर आ गई, तो हम वहाँ बनाने लगी, और फिर बाद में शिखा वहाँ पर बनाने लगी मम्मी के, जब शिखा बड़ी हो गई तो मम्मी के घर पर, और अब मेरे घर में तविशी बड़ी हो गई है, तो एक साल से तो तविशी ने संभाला है, अब इस बार भी वही करेगी। घर की लक्ष्मी होती है ना लड़कियाँ, रंगोलियाँ, रंगोली सुंदर सुंदर डिज़ाइन वाली बनाती हैं। और एक और चीज़ ली है तविशी ने, बड़ी क्यूट सी तविशी ने ना, ये थर्मोकोल का छोटा सा दिया लिया है, अब ये कहाँ यूज़ करेगी तो मुझे नहीं मालूम, उसने कहा था ले लो बस मम्मा। और ये ना सुंदर से ग्लिटर वाले कलर्स हैं अलग अलग, ये देखो ये भी ये यूज़ करेगी, सारे कलर्स हैं इसमें जितने भी चाहिए अलग अलग। और बहुत ही प्यारे से ये मटके वाले दिए,
बहुत ही प्यारे हैं ये भी, ये रंगोली पे रखे हुए बहुत अच्छे लगेंगे। इस बार क्या किया मैंने ना, मोमबत्ती नहीं ली है, क्योंकि मोमबत्तियाँ क्या करती हैं, उनको घर के आसपास कहीं पे जैसे जलाते हैं ना तो सारा फ्लोर वगैरह गंदा हो जाता है। तो मैंने सोचा था, मैंने कहा मैं मोमबत्ती नहीं लूँगी, दिए ज़्यादा ले लूँगी। इस बार मैंने दियो की क्वान्टिटी बढ़ा दी और मोमबत्तियाँ वगैरह नहीं ली हैं। इसमें भी जैसे वैक्स है तो ये मटके के अंदर है तो ये बाहर नहीं गिरेगा, क्योंकि कई बार ऐसा हो गया है कि मोमबत्ती जैसे हम लोग बाहर लगाते हैं तो हटा तो लेते हैं अगले दिन, लेकिन फिर वो मोम हटाना मुश्किल हो जाता है, फिर उस पर गर्म पानी डालो, पोछा लगाओ, बहुत झमेला हो जाता है। एक ये हो गया और एक ये स्टेंसिल नहीं, ये एक पेन लिया है रंगोली वाला, ये स्टेंसिल्स तो हैं और ये कुछ एक कलर्स लिए हैं अलग अलग तविशी ने। तो ये सारा सामान है, ये वाली शॉपिंग है जो मैंने धनतेरस के लिए की है। और मैंने जो गुलाब जामुन बनाए हैं, सबसे पहले तो आप उसकी रेसिपी देख लीजिए और वो बहुत ही परफेक्ट बने। बस ये ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना उसी हिसाब से नाप नाप के बनाइएगा, तभी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और मैं बहुत डरी हुई थी, सच बता रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी पहले नहीं बनाए, लेकिन फर्स्ट टाइम में इतने परफेक्ट बन गए ना। तो उसी परफेक्शन के साथ अगर आप बनाना चाहते हैं ना तो आप मेरे तरीके से ही बनाइएगा, सच में उतने ही अच्छे बनेंगे जैसे मेरे बने हैं। और मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने इतने अच्छे गुलाब जामुन बना ले होंगे, क्योंकि कभी मैं मिठाइयाँ वगैरह कभी कभी ही बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ। बस वो लड्डू वाली बात बताई हुई है मैंने कि मैं लड्डू बनाती हूँ, और मैंने कोई मिठाई कभी बनाई है, हलवा वगैरह बना लेती हूँ जैसे, लेकिन गुलाब जामुन से तो मुझे बहुत डर लगता था। कई लोगों के एक्सपीरियंस मैंने सुन रखे थे, सब बोलते हैं कि अरे ये टूट गया था और मैंने बनाया तो वो फूट गए थे, लेकिन टचवुड मेरा सब कुछ परफेक्ट रहा। तो सबसे पहले आप जाकर ना मेरी जल्दी से रेसिपी देख लीजिए, सीख लीजिए और फिर फटाफट से ट्राई कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो खोया, ये सारा जो भी मैंने मेजरमेंट है ये स्क्रीन पर हर चीज़ की क्वांटिटी दिखा दी है आपको। ये आधा किलो खोया है जो मैंने 2 किलो फुल क्रीम दूध से बनाया था। ये काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं, इसको मैंने थोड़ा थोड़ा मसल कर और थोड़ा सॉफ्ट कर रही हूँ। 2 मिनट तक मैंने इसे ऐसे ही मसला। और अगर आप रेडीमेड खोया लेते हैं तो उसको कद्दूकस करें, फिर उसे अच्छे से मसलें तो वो ज़्यादा आसानी से सॉफ्ट हो जाएगा। फिर मैंने इसके अंदर यहाँ पे 125 ग्राम मैदा डाला है और इसको फिर इसमें मिलाऊंगी, और साथ में 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर बेकिंग पाउडर मिलाया है। अब इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैंने कम से कम इसको 15 मिनट तक इसी तरीके से मिक्स किया था ताकि ये जो डो है बहुत ही सॉफ्ट सा बने, बहुत ही चिकना सा बने, जैसे रोटी वाला डो होता है ना, ठीक वैसा ही बनाना है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो मैंने इसको ऐसे ही लगातार मिक्स करती रही 15 मिनट तक। जितना अच्छा आप इसको मिक्स करेंगे, जितना अच्छा आप इसे मसलेंगे ना, ये उतना ही अच्छा बन के तैयार होगा, गुलाब जामुन भी उतने ही अच्छे बनेंगे। देख लीजिए आप ये कितना आसानी से, एकदम से मैं प्रेस कर रही हूँ तो फिंगर से कैसे दब रहा है। अब मैंने इसको ढककर एक साइड रख दिया। यहाँ चाशनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तो यहाँ पर मैंने 1 किलो ली है शुगर और फिर इसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाला बिल्कुल मेजरमेंट के हिसाब से। तो 1 लीटर में थोड़ा सा कम था ये, तो मैंने थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया और गैस को ऑन कर दिया। और इसके अंदर थोड़ी से मैंने इलायची को कूट कर, 4-5 इलायची थी वो डाल दी। आप चाहें तो इलायची का पाउडर डाल सकते हैं, केसर भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और इसको फिर मैं लगातार थोड़ी देर इसको चलाया और फिर इसको मैंने 15 मिनट तक पकाया। तो तब तक पकाना है जब तक ये चिपचिपी सी नहीं हो जाती, तो अभी ये चिपचिपी मुझे नहीं लग रही थी। इसको ऐसे ही मैंने गैस पे छोड़ दिया पकने के लिए, और यहाँ पर मैं इसको एक बार फिर से 1 मिनट के लिए और इस डो को मसल लूंगी। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी गुलाब जामुन के लिए गोलियाँ बनाना शुरू कर दूंगी। तो छोटे छोटे से ही गोलियां बनानी है, क्योंकि बाद में जो गुलाब जामुन होते हैं ना वो फट जाते हैं, फट नहीं जाते मतलब उनका साइज़ बढ़ जाता है, फटना बोल रही हूँ। तो थोड़ी देर इसको पहले हाथों से फ्लैट करके ना, जैसे मैंने दिखाया अभी आपको, फिर इसके बाद आप इसके ऐसे करके गोलियां बना लें। आप चाहें तो इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, आपको अगर काजू डालना है और किशमिश डालना है। तो मैं एक गुलाब जामुन के अंदर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए पहले तो मैंने इसको ऐसे फिंगर से अपनी हथेलियों से फ्लैट किया, फिर इसके अंदर एक किशमिश डाली और बस फिर इसकी ऐसे छोटे छोटे से गोले बना देने हैं।
तो मैंने एक ही गुलाब जामुन में किया था क्योंकि तविशी को पसंद नहीं है इसलिए, बाकी सब मैंने सिंपल ही बनाए। और यहाँ पर ये चाशनी भी बनकर तैयार हो गई थी, जैसे मैंने इसे उंगली पे लगाया तो एकदम चिपचिपी सी लगने लगी थी ये, बस फिर मैंने गैस को यहाँ पर ऑफ कर दिया है। अब दूसरी, यहाँ पर ये तो हो गई है तैयारी, सभी के सभी गोलियाँ बनकर तैयार हो गई हैं गुलाब जामुन वाली। और यहाँ मीडियम फ्लेम पर मैंने घी को गर्म कर लिया था और फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर गुलाब जामुन छोड़ दिए थे। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मीडियम गर्म करना है घी को और उसके बाद गैस को एकदम सिम कर देना है और फिर इसके अंदर ये जो गुलाब जामुन की गोलियां हैं वो छोड़नी है। मैं भूल गई थी तो मैंने क्या किया, मैं मीडियम गैस के ऊपर ही मैंने ये गुलाब जामुन डाल दिए थे, इससे एकदम से ये जलने लगे। बाद में मुझे ध्यान आया तो मैंने गैस को सिम किया और ऐसे करके ना इनको घुमाना है कढ़ाई को। फिर जब ये अच्छे से गोल्डन से हो जाएंगे हल्के से, इसके बाद फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको करछी से हिला सकते हैं। उससे पहले ना हिलाएं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, ये फट सकते हैं। कुछ लोग इसके तेल को भी हिला देते हैं लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लगता है, मैं तेल नहीं हिलाती हूँ, मैं सिर्फ कढ़ाई को ऐसे करके हिला लेती हूँ और फिर ऐसे करके धीरे धीरे बाद में हिला लेती हूँ। मतलब मैंने जितने भी सारे गुलाब जामुन बनाए ना ऐसे ही कढ़ाई हिला हिला के पहले और फिर उसके बाद करछी से इसको हिलाकर फिर तैयार कर लिए थे। तो बस जब तक आपको एकदम परफेक्ट लगेगा कि गुलाब जामुन का कलर नहीं आ जाता जब तक, तब तक आप ऐसे इसको चलाते रहें। देख सकते हैं आप कितने बढ़िया इनका कलर आया है, एक भी गुलाब जामुन फूटा नहीं है, एकदम साफ मेरी कढ़ाई है। और बस इसको अब मैं गरम गरम ही, हल्की सी गरम, अब ये चाशनी है तो गरम गरम गुलाब जामुन इसके अंदर, हल्की गरम जो चाशनी है इसके अंदर डाल दूंगी। ऐसे ही बाकी के जो बचे हुए गुलाब जामुन है वो भी मैं बना लूंगी। 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने थे। तो 1 घंटा हो चुका है, आप देख सकते हैं गुलाब जामुन का जो साइज है वो कितना बढ़ गया है और एकदम ये सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बने थे। आप देख सकते हैं, मैं इसको काट कर भी दिखाती हूँ, एक गुलाब जामुन को ये कितनी आसानी से कट रहा है और जो रस है वो एकदम अंदर तक जा चुका है। बहुत ही अच्छे बने थे, आप भी ट्राई कीजिएगा। पीछे भी सामान पड़ा हुआ है, मैंने हटाया नहीं है, मैं दिए जलाने चली गई थी ना, फिर मैं अब आई हूँ। एक बार मैंने सोचा ये हेयर बैंड भी आपको लगा कर दिखा दूँ, मुझ पे कैसा लग रहा है ये बताना। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे हेयर बैंड ना, जो कपड़े वाले होते हैं। एक तो है ना ये पहन करना, इनसे सर में दर्द नहीं होता। प्लास्टिक वाले जो होते हैं ना वो यहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा पेन करते हैं, हल्के से भी अगर टाइट हो तो। इसीलिए फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मैं ये वाला ले लेती हूँ, है ना अच्छा। ऐसे वैसे मुझे पता है कैसा लगता है इसे देख के, जैसे सर पे ना पट्टी बांध रखी हो, चोट लग गई हो और सर पे पट्टी बंधी हुई है, लेकिन है बहुत क्यूट, है ना। आप बताना कैसा लग रहा है। गीले बालों में ना ऐसे वाले, ये वाले बैंड लगा लो, फिर ये आगे भी नहीं आते और आप कुकिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हैं, फिर बालों का आगे आना या फिर कोई और काम भी कर सकते हैं, मतलब फिर बाल आपके फेस पर नहीं आएंगे। यही है मेरा आज का चिट चैट वाला ब्लॉग, जिसमें थोड़ी सी शॉपिंग दिखाई और गुलाब जामुन की रेसिपी दिखाई। आप मेरे चेहरे की स्माइल से ही देखकर पता कर रहे होंगे कि मैंने कितने अच्छे गुलाब जामुन बनाए होंगे। मैं खुश हूँ, इसका मतलब बहुत ही अच्छे। मैंने पता है क्या सोचा था, अगर अच्छे नहीं बने ना मेरे से गुलाब जामुन तो मैं आज ये ब्लॉग डालूंगी ही नहीं। पहले मैंने गुलाब जामुन बनाए, शॉपिंग वगैरह तो मैंने सुबह ही जाके फटाफट कर ली थी और फिर मैं 4 बजे शुरू हो गई थी ये गुलाब जामुन बनाने के लिए। ये अच्छे बन गए, फिर मैंने कहा अब ठीक है, अब ब्लॉग भी बनाना स्टार्ट करते हैं और बस ये रेसिपी भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो दिए जो है ना, मैंने एक तो अपना बालकनी में रखा, एक इधर बालकनी में, मतलब एक एक करके बालकनी में इधर रखे, और एक दिया जो है मैंने मेरे
मेन गेट के ऊपर रख दिया, नहीं मेन गेट पे मैंने सॉरी दो रखे हैं, और बालकनी में चार बालकनी है लेकिन तीन बालकनी में मैंने अपने दिए रख दिए, टोटल पांच थे ना, ऐसे करके यही होता है हमारे यहाँ। और क्या बताने वाली थी मैं आपसे, और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप ही के कहने पर ही मैंने ये जो गुलाब जामुन है वो बनाए थे, क्योंकि मेरे पास रिक्वेस्ट काफ़ी बार आ गई थी मिठाई बताओ बनाओ मिठाई बनाओ मिठाई बनाओ, तो मैंने कहा चलिए मिठाई बनाना भी आपको बता देते हैं, और मैं खुश हूँ अब मुझे गुलाब जामुन भी बनाने आ गए हैं। पहले तो मुझे बहुत डर लगता था लेकिन अब कॉन्फिडेंस आ गया है कि हाँ मैं भी कर सकती हूँ। और मेरी ये पट्टी कैसी लगी ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गुलाब जामुन भी ना आप ही जैसे मैंने बनाया ना ठीक वैसे ही मेजरमेंट के साथ बनाइएगा, और कैसे बने फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे हो अगर तो मेरे साथ अपनी ये फोटोग्राफ्स भी शेयर कर सकते हो अगर आप गुलाब जामुन बनाते हो तो, और दिवाली पर भी आप क्या क्या आउटफिट पहनोगे क्या कैसी ड्रेस है अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो वहाँ जुड़ जाइए और अपनी फोटोग्राफ्स मेरे साथ शेयर कीजिए। काफ़ी सारे लोगों की फोटोग्राफ्स आती हैं मुझे अच्छा लगता है, कुछ लोग अपने बच्चों के बर्थडे की फोटोग्राफ्स मेरे साथ शेयर करते हैं, कोई कुछ सेलिब्रेशन कोई कुछ सेलिब्रेशन, तो बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसे ही शेयर करते रहिए। बस इतना सा ही ब्लॉग था, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलूंगी आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अब जा रही हूँ वो सारा सामान उठाने के लिए।